सो बहुत ही अच्छा स्टे था पीजी रेजिडेंसी में. इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी होमली. सो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल विजिट करने. सो लेट्स गो. और सुभाष भी यहाँ पर रेडी है टेम्पल जाने के लिए. और ये है हमारा फर्स्ट मॉर्निंग इन पीठापुरम. सुभाष और मुझे तो पीठापुरम बहुत ही अच्छा लगा और हमारा स्टे भी काफ़ी कंफर्टेबल था. और सुभाष यहाँ पे बोल रहे हैं कि जल्दी चलो मंदिर के लिए. वी आर इन पीठापुरम. सो करंटली वी आर इन पीठापुरम एंड पीठापुरम में हम श्रीपाद श्री वल्लभ टेम्पल के लिए आए हैं. बट यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल हैं तो उसके साथ हम दूसरे टेम्पल्स भी विज़िट करेंगे. तो फर्स्ट हम जा रहे हैं कुछ कुंती टेम्पल. कुछ बोला मैं आपको बताती हूँ वो टेम्पल के बारे में. सो फर्स्ट हम वहाँ पे जा रहे हैं. फर्स्ट टेम्पल जो हम विज़िट कर रहे हैं वो है कुंती माधव टेम्पल, जो कुंती माता और कृष्ण भगवान का टेम्पल है. ये है ना पांच ही इंडिया में पांच ही टेम्पल है और एक इसमें से आंध्रा में है. कुंती और श्री कृष्ण का. हाँ कुंती और श्री कृष्ण का. अच्छा कुंती माता और जया माता और राज्य लक्ष्मी माता. हाँ गोदा देवी और विजया देवी. तो रामू जी ये कौन सा टेम्पल है? ये कुंती माधव दिव्य क्षेत्र है. पंच माधव दिव्य क्षेत्र में एक ही क्षेत्र है. ये पिठापुर में कुंती माधव है, काशी में बिंद माधव क्षेत्र है और प्रयाग में वेणु माधव क्षेत्र है और रामेश्वरम में सेत माधव क्षेत्र है और केरला में सुंदर माधव क्षेत्र है. वो सभी अच्छे क्षेत्र हैं. वो इंद्र प्रतिष्ठा का क्षेत्र है. वो अंदर जाने तो आपको सभी अच्छा दर्शन मिलते हैं. कौन है? विकंस महर्षि है. अच्छा। वो अत्रि भृगु मरीचि कश्यप सभी उसके शिष्य है. विकंस महामुनि है. वो विकंस महामुनि श्री वो अत्रि भृगु मरीचि कश्यप चारों शिष्य है और नैमिषारण्य में वो ध्यान करते हैं. ये कौन से भगवान? वो जय है और वो विजय है. अच्छा दोनों द्वारपाल है. अच्छा द्वारपाल है जया और विजया. जया वो है विजया उधर है. ओके द्वारपाल है ना? हाँ द्वारपाल छे जया और विजया. ये गरुड़ आलू नया चढ़ी पहन लिया. हाँ कौन सा? अच्छा ये वाहन गरुड़. गरुड़ वाहन. अच्छा गरुड़ वाहन. और ये है कुंती माधव टेम्पल. और ये टेम्पल बहुत ही पुराना और प्राचीन टेम्पल है. बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है और आंध्रा में यहाँ पे ऐसे आशीर्वाद देते हैं भगवान का. मुझे ये टेम्पल बहुत ही अच्छा लगा. यहाँ पे आके बहुत ही सुकून मिला. और यहाँ पे जो आंध्रा में टेम्पल होते हैं उसका एक टच है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. और ये जो कुंती माधव टेम्पल है रामू जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि ऐसे पांच ही टेम्पल है और वन ऑफ देम आर इन आंध्रा. ये कुंती माता और कृष्ण भगवान का टेम्पल है तो आप भी दर्शन कर लीजिए कुंती माधव टेम्पल का. इट्स अ कुंती माधव मंदिर. बहुत ही अच्छा मंदिर है. मंदिर का बोले पूरा. हाँ ये पूरा स्वयंभू है. बिंदी बच्चे है मम्मी स्वयंभू है ना ये.
और आप ये टेंपल देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाया है और इतनी शांति है ये मंदिर में। हमने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया ये मंदिर में। ये मंदिर में इतनी शांति है कि मन को एक सुकून मिलता है ये मंदिर आके। ईट ईट है सब। तुम्हारे के वो उसमें पत्थर का बनाते उत्तराखंड में। और यहाँ पे कुंती माधव मंदिर में हमने दर्शन किया। सुभाष, मैंने, मम्मी, मासियों ने दर्शन किया। सुभाष ने प्राचीन मंदिर में थोड़े फोटो क्लिक कराए और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं श्रीपाद श्री वल्लभ टेम्पल पीठापुरम में। पीठापुरम श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म स्थान है और यहाँ पे उनका बहुत ही अच्छा मंदिर है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी श्रीपाद श्री वल्लभ टेम्पल पीठापुरम। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना।